यार बस करो हर जगह जीन्स पहनना, उसी जगह चीनो पैंट्स पहनो जो कि कंफर्टेबल भी होती है और क्लासी भी होती है, एंड वो ऑलमोस्ट सारी बॉडी टाइप्स पे अच्छी लगती हैं। इससे आपकी लेग्स रिस्ट्रिक्ट नहीं होती और ये जीन्स से थोड़ी सी कम कैजुअल होती है, तो आप इसको ड्रेस अप करके फॉर्मल की तरफ भी लेके जा सकते हो। लेकिन कौन सी चीनोज है आपके लिए बेस्ट? व्हाट्स अप ब्रो, वेलकम वेलकम बैक टू बी योर बेस्ट। मैं हूं सैन कालरा एंड आज की वीडियो में आपको बताऊंगा चीनोज पहनने के सारे रूल्स, उसकी फिटिंग के, उसके कलर वगैरह के, एंड बेस्ट बजट ब्रांड्स कौन से हैं। चीनोज होनी चाहिए एकदम टेलर्ड एंड मॉडर्न फिटिंग वाली, इसलिए सारे फिटिंग वाले पॉइंट्स तो बहुत ध्यान से सुनना। एंड इफ यू वांट टू बी योर बेस्ट इन लुक्स एंड पर्सनालिटी, अभी के अभी सब्सक्राइब करो फॉर टू न्यू वीडियोस एवरी। सबसे पहली बात, चीनोज होती हैं सामने से एकदम फ्लैट, मतलब कोई प्लेट्स नहीं होते इसके अंदर, एंड इनकी होती है कंसील्ड स्टिचिंग। फ्रंट पॉकेट्स इसकी जनरली स्लैंटेड होती हैं एंड बैक पॉकेट जेटेड होती है। इसमें जिप होती है एंड बेल्ट लूप्स होते हैं। अब इसमें वेरिएशंस हो सकते हैं यार, लेकिन इसी टाइप की चीनोज सबके ऊपर सूट करती है। अब आते हैं फिटिंग पे। यार ये फैक्ट ध्यान से सुन लो कि स्लिम फिटिंग चीनोज ही ऐसी चीनोज है जो सब पे अच्छी लगती है। मैं मानता हूँ कि स्ट्रीट स्टाइल में थोड़ी सी लूज फिटिंग वाली चीनोज अच्छी लगती है, मैं खुद भी पहनता हूँ वो कभी कभी, लेकिन स्लिम फिट ऐसा है जिसमें सब अच्छे लगते हैं, तो मैं उसी की बात करूंगा। स्लिम फिट का मतलब है कि वो टेपर होकर आपकी लेग्स पे फिट हो, मतलब ऊपर से नीचे तक ये पतली होती जाए ताकि आपके लेग्स से फिट रहे एकदम। स्किनी फिट की बात नहीं कर रहा मैं जो एकदम चिपकी हुई होती है, मतलब ये इतनी खुली होनी चाहिए कि आप एक फिंगर से अगर पिंच करो इसको तो आपके फैब्रिक आपकी पिंच में आ जाए। बात है अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो पक्का से लाइक जरूर कर देना। एनीवे आपकी वेस्ट एंड हिप से एकदम फिटेड होनी चाहिए ताकि आपकी बॉडी की शेप शो ऑफ हो, एंड आप पीछे से झोला नहीं लटक रहा होना चाहिए। लेकिन हाँ, इतनी टाइट भी ना हो कि जैसे ही आप झुको तो आपका या तो एस क्रैक दिख जाए या फिर फट जाए चीनोस। आपकी काफ से भी ये सही फिटेड होनी चाहिए, इतनी कि आप एक फुल लेंथ वाली सॉक्स इसको पहनने के बाद भी नीचे से चढ़ा पाओ। एक और इंपॉर्टेंट चीज इसकी सही फिट लेने के लिए है इसका राइज। राइज का मतलब है आपके छोटू वाले एरिया से लेके आपकी वेस्ट तक की इसकी लेंथ, जो कि चीनोज में कम ही होनी चाहिए, तो हाई राइज वाली मैं रेकमेंड नहीं करूंगा आपको, अनलेस आपकी टोन वोन काफी बड़ी है। अगर आप हाइट में भी आप 5'7" के करीब से नीचे हो तो आप मिड राइज वाली ले सकते हो ताकि आपकी टांगे थोड़ी सी ज्यादा लंबी लगे, लेकिन अगर आप उससे ऊपर की हाइट के हो तो लो राइज ही लेना। अब एक बहुत बड़ा मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूँ कि अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो या फिर ऑफलाइन किसी दुकान से जाके ले रहे हो, घंटा ऐसा नहीं हो सकता कि आपको एकदम सही फिटिंग की चीनोज मिल जाए, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सबकी बॉडी टाइप अलग होती है। तो ये आपको टेलर के पास लेके जानी ही पड़ेगी ताकि आपके बॉडी की शेप के हिसाब से ये फिट हो जाए, एंड उसका फायदा भी तभी यार चीनोज लेने का जब आप इसमें बहुत एकदम टेलर्ड दिखो, और वैसे भी 40 रुपए ही लगने हैं। तो आपको खरीदते हुए सिर्फ ऐसी चीनोज खरीदने की जरूरत है जो आपको हिप्स हाइज एंड वेस्ट से सही फिट हो। फिर इसको लेके जाओ टेलर के पास एंड उन्हें बोलो कि ये घुटने से ऊपर एकदम सही फिट आती है, बट इसको घुटने के नीचे से टेपर करना है, मतलब पतला करना है। साथ में आपको उनको बताना पड़ेगा कि इसका जो एंकल वाला पार्ट होगा वो कितना चौड़ा होना चाहिए, वो उसी हिसाब से इसको पतला करेंगे। तो ये जानने के लिए आप अपनी चीनोज को जब पहनोगे तो एंकल वाली साइड से उसको रैप करके देख लेना कि वो कितनी खुली हो रही है, उसको मेजर कर लेना एक स्केल से एंड उनको बता देना। तो यही वो एंकल वाली ओपनिंग की जो सर्कमफेरेंस है उसी से पता चलेगा कि वो कितनी टाइट होने वाली है ओवरऑल। जैसे मेरी 13 इंचेस है नीचे से। आपको टेलर से अपनी चीनोज की लेंथ भी छोटी करवानी है एंकल तक। अब ये आपके टेस्ट पे है कि आपको वो एंकल का जो जॉइंट होता है उसके एकदम बीच में रखनी है या फिर उसके ऊपर वाले पार्ट तक रखनी है। अब इस रेंज के ऊपर गए तो टिकटॉकर लगोगे, नीचे गए तो अंकल लगोगे। बल्कि अगर आपने एंकल के जॉइंट के मिड तक करवाया तो वो बेटर है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप उसको बाद में कफ करके ऊपर कर ही सकते हो, जिससे कि वो थोड़ा सा कैजुअल भी दिखेगा। एक और थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि टेलर से बोल देना पहले कि आप मुझे वो थ्रेड दिखा दो, वो धागा दिखा दो जो कि आप यूज करोगे इसकी लेंथ छोटी करने पे, क्योंकि उसका कलर और आपकी चीनोज का कलर सही बैठना चाहिए। अब ये कि आपकी बॉडी की शेप नॉर्मल से थोड़ी सी अलग है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी थाइस बहुत ज्यादा थिक है आपकी वेस्ट से कंपेयर्ड, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा खर्चना होगा, आपको ऐसी चीनोज देनी होगी जो आपको थाइस से सही फिट है। फिर टेलर के पास जाके काफ तो आपको फिट करवानी पड़ेगी, साथ में आपको ऊपर से वेस्ट भी फिट करवानी पड़ेगी, उसका थोड़ा सा ज्यादा खर्चा आएगा। या अगर आपकी लेग्स बहुत ज्यादा स्किनी है तो आप थोड़े से थिक मटेरियल की चीनोज लेना एंड उनकी लेंथ एंकल तक ही रखना ताकि उसका फ्लो अच्छा हो और आपकी पैर पतले ना लगे। अब फिटिंग की बात कर ली हमने तो नेक्स्ट आता है मटेरियल। देखो मैं बोलूंगा स्ट्रेचेबल कॉटन ही लो, एंड यहाँ पे बहुत बड़ा रूल ये है कि जितना आप पैसा खर्चोगे उतना बेटर आपको मटेरियल भी मिलेगा और उसकी स्टिचिंग भी मिलेगी, तो उतना लंबा चलेगा। लेकिन हाँ, लुक वाइज महंगे सस्ते में उतना डिफरेंस नहीं आएगा। अब इसमें आपको कलर्स कौन से लेने हैं, मैं कहूंगा न्यूट्रल्स पहले। ब्लैक मत लेना क्योंकि ब्लैक ट्राउजर्स में बेटर लगता है, चीनोज में उतना अच्छा नहीं लगता। एक कलर की चीनोज जिससे आप सबसे ज्यादा आउटफिट्स बना पाओगे वो है खाकी। सबसे पहले आपके पास खाकी कलर की चीनोज ही होनी चाहिए, फिर उसके बाद डार्क ब्राउन की शेड ले लो, ये क्लासिक आउटफिट्स में बहुत बढ़िया लगेगी। उसके बाद आप एक ग्रे चीनोज ले लो, वो भी काफी काम आएगी, स्पेशली क्योंकि ब्लैक्स के साथ ये बहुत बढ़िया लगती है। एंड ये तीन बेसिक कलर्स के बाद आप थोड़े फन कलर्स ट्राई करो, जैसे कि ऑलिव चीनोज ले सकते हो। नेवी चीनोज भी बहुत क्लासी लगती हैं, लेकिन हाँ नेवी तो आपकी जीन्स भी होती हैं। वैसे तो आप
एकदम हटके कलर लेना चाहो तो पीच कलर भी ले सकते हो। तो आप समझ गए हो कि चीनोज कैसे बाय करते हैं एंड वो कैसी दिखनी चाहिए आप पे। तो अब ये कुछ ब्रांड्स हैं जिनकी मैं चीनोज अप्रूव करता हूँ, जो मेरी तरफ से टेस्टेड हैं। मैं कुछ अच्छे बढ़िया लिंक्स भी दे दूंगा उन चीनोज के जो मैंने खुद ट्राई करी हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप वो ले सकते हो, या फिर आप ऑफलाइन लेना चाहो ऑफलाइन भी ले सकते हो, लेकिन प्लीज टेलर वैसे ही करवा लेना जैसे मैंने बताई है। और अब आ जाते हैं इस वीडियो के गिव अवे पे। इस वीडियो पे भी 5000 लाइक्स कंप्लीट होते ही मैं गिव अवे करूंगा 2000 रुपीस का ऑनलाइन शॉपिंग वाउचर, जिससे आप जो लेना चाहो वो ले सकते हो। ये बस मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए है, तो अगर आपने नहीं किया सब्सक्राइब अभी तक तो कर दो। उसके बाद आपको ये वीडियो लाइक करना है, 5000 लाइक्स तक लेके जाना है, एंड आपको नीचे कमेंट्स में मेरे को बताना है कि आपका फेवरेट चीनोस का कलर कौन सा है, एंड दैट्स इट, बस इतना ही करना है। तो गिव अवे के लिए ऑल द बेस्ट एंड लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।